इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी की वजह से होते हैं। सारे फसाद की जड़ पैसा है। सभी इलीगल कामों की वजह भी यही है। पेशावृत्ति, चोर, लुटेरे, नक्सलवादी, गवर्नमेंट को खरीदने वाले बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता लोग, गुंडे और बदमाश, इन सब का वजूद, इन सब के पास आने वाली वो बेईमानी की कमाई है। अगर उसके पास 20,000 ही होते तो हाथ काटने के 20,00,000 कहां से देता? अगर कोई दिन के सिर्फ 100 रुपए ही कमाएगा तो 1,00,000 में लड़की की इज्जत नहीं खरीद पाएगा। किसी अमीर के काले धन का एक बड़ा हिस्सा हजारों गरीबों में बांट देंगे तो इस देश की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही है इस कांतास्वामी की कहानी। भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल किया तुमने? लोगों की मदद करने वाला खुद ब खुद भगवान बन जाता है, और जो ना करे तो वह इंसान नहीं। लोगों में भगवान की आस्था को मैंने अच्छी तरह समझा है। चल फट। डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? कब से तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूं। सर बस आ गया। कम बीच से तुम्हें आने में 2 घंटे लग रहे हैं। सॉरी सर ट्रैफिक। हेलो एक मिनट, तुम्हें पैसे देने वाले ने यही बुलाया था। सॉरी, वेयर डिड यू गेट द मनी? एट द एंट्रेंस ऑफ द सेम बिल्डिंग। हियर ओनली। आर यू श्योर? या हियर। कहना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाउ ओल्ड वाज ही? एन ओल्ड मैन लाइक 50 इयर्स। 50 साल का आदमी। अपना समाज सेवा का नाटक चालू रख, पैसा लूट और गरीबों में बांट, लेकिन मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए 50-50। मेरे साथ शेयर करने में तकलीफ होगी। डीआईजी साहब ऐसे ही किसी ठोस सबूत की तलाश में है। हेलो। हाँ अरे अब मान भी जाओ, तुम्हें पता है लाखों गरीब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। कुछ ना देने से तो अच्छा है कि उन्हें 50% दे दो। सर ये मान गया है। तुम्हारे लिए तोहफा है। जानते हो ये कौन है? तुझे थप्पड़ मारने वाला कांतास्वामी है। तेरा बायां हाथ तो कट चुका था। मेरे बायां हाथ को मूली गाजर समझा है क्या? अंदर आ। इसे पहचानता है? ए, तेरा तो हाथ काट दिया था ना। अब हाथ नहीं काटूंगा, तेरी जान ही ले लूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजमन, नहीं, ये मेरी सोने की मुर्गी है। अपनी 2 लाइफलाइन तू गवा चुका है, अब मेरी बारी है। तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरा काम होने दो, फिर मार के खा जाना। तुम वहां होती ना तो उसका चेहरा देखती। जब सच का पता चला ना तो शॉट। उस नकली रेपिस ने क्या क्या किया कुछ याद है? पहले टॉप फाड़ा, फिर यहाँ से खींचा, फिर मुझे पकड़ा, स्कर्ट को ऐसे खींचा, और उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुमसे रेप की एक्टिंग करने जैसा घिनौना काम करवाया। कांता ने तुम्हें बचाने के लिए सच बोल दिया। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। I'm Ganesh from Indian Intelligence Bureau.
एक रेड को लेकर हमें कंप्लेन मिली है। सीबीआई ने जो रेड की थी उसकी सीज की गई पूरी रकम सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। कंप्लेन में आईपीएस स्वामी का नाम आया है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आपके यहाँ रेड उसी ने की थी ना? क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? किसी के खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट हो ना तो या तो वो ईमानदार है या बहुत बेईमान है। कांता स्वामी एक नेक इंसान है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। स्वामी जी, कोई आपके नाम का फायदा उठा रहा है और उसी वजह से मेरी फ्री में धुलाई हो गई। बदन का पुर्जा दुख रहा है, बदला लेकर रहूंगा। पुलिस बैठकर मक्खियां मारेंगी और मैं दिमाग इस्तेमाल करके उसे दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। स्वामी जी, अगर मैं आपकी इज्जत और मेरी बॉडी को नहीं बचा पाया तो मारू नाम धीरू भाई नारियल वालों ने। ए खजूर, अपनी दुकान बंद कर दिए, लेकिन ईमान तो खुला है ना, कभी आओ हवेली पे। हाँ, बस पे कांता स्वामी का नाम, ऊपर वाले स्वामी ने मेरी सुन ली, हूँ हमारा कमाल दिखाड़ू। बस जा रही है। ए उबर उबर उबर, ये पागल है क्या? उस बस का पीछा करना है। कहाँ जा रही है? कंडक्टर से पूछ लेंगे। कितना पैसा देगा? पैसे और मेरे पास, इसे चुरन खिलाना पड़ेगा। तू मुझे जानता है क्या? मैं तेरा पड़ोसी हूँ क्या? डिटेक्टिव एसआई, मतलब इंस्पेक्टर। एसआई या इंस्पेक्टर? एसआई। दोनों में से कौन बड़ा है? पहले मैंने एसआई बोला ना, तो एसआई बड़ा हुआ ना। ऐसे कैसे मान लूं? इसको पुलिस गिरी दिखानी पड़ेगी। और कुछ पूछना है? पक्के पुलिस वाले हो? रिक्शा चालू कर। बैठो सर। मम्मी बचेगी, सारू क्यों मारू नहीं। ये तो असली वाला एसआई है। सलाम सर। ए चिलगोजे, तुझे कहीं देखा है रे? ए तेरी गाड़ी उल्टी जा रही है। ए बसंती, रुक, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? रुक रुक रुक। ए तू तो वही ऑटो चोर है रे। मैं तो फंस गया। ये तो वही पुलिस वाला है जिसने मुझे मुर्गे के ड्रेस में पकड़ के धो डाला था। कहीं ऑटो वाला बता ना दे कि मैं ऐसा ही हूँ और फ्री में ऑटो में घूम रहा हूँ, फिर तो ये पुलिस वाला मेरा मीटर डाउन कर देगा। मेरी तरफ देख रहा है। तेरा पैसेंजर चेहरा क्यों छुपा रहा है? जरा आइस से बात कीजिए, वो आपसे भी बड़ा साहब है। साहब है? हाँ। जरा बुलाओ ने। ऐसा ही साहब, जरा बाहर आइए ना। हेलो सर, ये आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे तू इसे बड़ा साहब बोल रहा है? चिलगोजे कहीं से? इज्जत से बात करो, वो ऐसा है। अबे तू तो वही है ना जो मुर्गा बन के कुकड़ू कू करता। हाँ, है मैं वही हूँ। और आज ऐसा ही बन के लोगों को उल्लू बना रहा है? कोई कांता स्वामी का नाम लेके लोगों को उल्लू बना रहा है सर, इसलिए मैंने सोचा पुलिस वाला बन के उसे पकड़ लेता हूँ, देश का थोड़ा भला हो तू जाएगा। पकड़ेगा? हाँ? तू? हाँ? तेरी इतनी औकात बढ़ गई है, तू हम लोगों का काम करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। पुलिस में है? नहीं सर। सीआईडी में है? सरकार ने अभी तक मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर ही नहीं निकाला है। ओ, तेरी अर्जी को पास करने के लिए मैं अर्जी डाल दूं? So nice of you। हाँ, तब मैं घर पे मूंगफली खाऊंगा और तू मेरे हिस्से का काम करना। मम्मी, मम्मी मेरी क्यों? मारो, मारो साहब, बहुत मारो, छोड़ना मत। बसंती, मेरी इज्जत का सवाल है। इसमें भर्ती होने का फॉर्म भी भरा तो तुझे अंदर डाल दूंगा। चले गए यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट कर रहे। अबे इधर। हाँ सर। पहली बार में जवाब नहीं दे सकता क्या? इतनी धुलाई के बाद पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है ना, तो नॉर्मल होने में 5 दिन तो लगेंगे। चल जा। जय हिंद सर। सर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपके पास है गाड़ी 4 पहिया, जरा घर तक छोड़ देंगे? नहीं सर, मारिए मत, आप बहुत अच्छा मारते हैं। पिछला वाला मारा अभी तक याद है सर, बहुत अच्छे है। सॉरी दोस्त, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखना यार, एक ना एक दिन ये लड़की हम सबको मरवाएगी। अरेस्ट होने से 50-50 डील बेटर है। वेलकम मिस्टर कांतास्वामी। जब रेड मारने के लिए आए थे तब सोचा था क्या कि एक दिन तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। उन गरीबों की भलाई के लिए अपना ईमान भुला दूंगा। एक अरबपति ढूंढा, उसको लूटने से हम दोनों का काम हो जाएगा। उसका सारा पैसा मैक्सिको में। मुझे डिपार्टमेंट को बिना बताए जाना हो। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुझे आपके अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए होंगी। पैसा हाथ लगते ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे इंडिया लौटते ही मेरे 50% लौटा देना। ईमानदारी का कीड़ा तुम्हें फिर से नहीं काटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? मैं इसके साथ जाऊंगी। खतरों से खेल सकोगी? मेरी बेटी तुम पर नजर रखेगी।